है कि आखिर किसका होगा इस सूबे पर इस बार सत्ता पर राज। जी हाँ, कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री राजस्थान में, सबकी नजरें इस पर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सबके नतीजे सामने आ रहे, लेकिन सबकी सटीक नजरें अभी फिलहाल 2 राज्यों पे सबसे ज्यादा है, एक है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। हालांकि राजस्थान में हमेशा अल्टरनेट सरकार का दौर देखा गया है, तो निस्संदेह सबको लग रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ऐसे में आपको ज्यादा देर ना करते आपको मैं फिलहाल अपडेट देती हूँ कि आखिर राजस्थान में क्या चल रहा है। राजस्थान में 178 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस 96 सीटों पर है और बीजेपी कम से कम 60 से 70 के बीच में अभी फिलहाल चल रही है। अन्य के जो वहां पर हैं, वहां पर उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें आई हैं और 100 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, और शायद कांग्रेस इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच आपको सबसे बड़ी अपडेट ये दे दूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे सचिन पायलट के समर्थकों में खुशी का माहौल है, और 3 वीआईपी सीटों पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, झालापाटन से राजे, वसुंधरा राजे और टोंक से सचिन पायलट बहुत आगे हो गए हैं, और यूनिस खान जो कि टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ खड़े थे, उनका अता पता नहीं है कि आखिर कहां गए यूनिस खान। बीजेपी का कोई नेता अभी ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से हिचक रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि इस बार नो मोर बीजेपी, यानी कि नो बीजेपी सरकार। और कुल मिलाकर अभी रुक करते हैं राजस्थान की तरफ, जिस तरह से जश्न का माहौल शुरू हो गया है कांग्रेस में, एडविन अमन सर जो कि मेरे एडिटोरियल हेड हैं, वो बताएंगे जश्न का मतलब क्या मान लें हम। देखिए बिल्कुल, एक तो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि कांग्रेस अब बड़े बहुमत से राजस्थान में आ रही है। उसके बाद आपने ये मायने निकाला है कि सचिन पायलट के घर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। देखिए, लीडिंग नेता है वहां से और अध्यक्ष भी है वो कांग्रेस इकाई के वहां से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जश्न का माहौल तो बनना ही है, क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने की है, 5 साल से मेहनत की है और लगातार मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं, लगातार जनता जुड़ने का प्रयास, लगातार काम किया है और तमाम मुद्दों पर आंदोलन भी किए हैं। उसी का नतीजा था कि जो उपचुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। जी आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख पा रहे होंगे, स्माइल इसलिए आ रही क्योंकि शायद अब शायद जो पीएम मोदी का जुमला था कि अच्छे दिन आ गए हैं, अब शायद इसको कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए 2019 से पहले। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ये, क्योंकि ऐसे में आपको सबक भी मिलता है कि अब जिन मुद्दों पे आप राजनीति करना चाहते हैं वो मुद्दे अब ठंडे हो चुके हैं, उन मुद्दों में कोई दम रहा नहीं है। आपको अब असलियत जमीन पे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम इस तरह काम कर रहे हैं। खाली बयान देकर, जुमले देकर आप लोगों को नहीं बढ़ा सकते। बड़ी अपडेट, कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर गई है राजस्थान में, और ऐसे में बीजेपी अभी 90 भी पहुंच नहीं पाई है, 70 और 80 के बीच में झूल रही है बीजेपी। और कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती, जो सीटें चाहिए होती, फिलहाल वो पूरी कर ली है। मान लें अल्टरनेट सरकार में इस बार कांग्रेस की फतह। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह ठप्पा लगाई दीजिए, अब तो लगभग स्थिति साफ होती जा रही है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था गायत्री, कि जिस तरह से लगातार सचिन पायलट ने विकास की बात की है और विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, वो राजनीति में एक नया सबक है सबके लिए। सबको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत हो गई इस तरह की राजनीति धर्म के नाम पर, अब हमें बात विकास की करनी चाहिए, आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। और सचिन पायलट इसके जो पूरी तरह से आगे निकल कर सामने आए इन सब चीज़ों को लेकर, उसने जनता का विश्वास जीता है और राजस्थान में कांग्रेस को जो कि एक बैकफुट की पार्टी बनकर रह गई थी पिछले पायदान में, उसे ऊपर लेकर आए और एक संजीवनी बूटी दी। और राजस्थान में अगर कांग्रेस की पताका लहरा रही है इस वक्त, अगर हाथ का साथ दिया है जनता ने, तो निस्संदेह में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है सचिन पायलट का। और खुद राहुल गांधी भी इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी छुपा रखा हो, और ये बात पार्टी आलाकमान अच्छे से जानती है, राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं, खुद अशोक गहलोत जानते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया जितना सचिन पायलट ने किया है, और अब उसे उनका फल मिलना चाहिए। यानी वक्त आ गया है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए राजस्थान से। देखिए बिल्कुल, लोगों की मांग तो यही है, खुद जो नेता है, जो प्रत्याशी है पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से आवाज आ रही है कि सचिन पायलट को जिस तरह का संघर्ष, उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन देखिए फिर वही होगा कि हम अब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अभी, क्योंकि फैसला आना बाकी है। लेकिन हाँ, जिस तरह सचिन पायलट ने जमीनी स्तर पर काम किया गायत्री, वो निस्संदेह उनका जो सोच उसको बयान कर रहा है कि वो एक आला दर्जे के नेता है, आने वाले दिनों में वो राजस्थान की छवि बदलने का मादा रखते हैं। हम जल्दबाजी थोड़ा सा शायद कर रहे होंगे, लेकिन उससे जल्दबाजी में तो सचिन पायलट के समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं कि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की, इसलिए अब उनकी ताजपोशी होनी चाहिए। उनके समर्थक तो शुरुआत से ही, हम तो अभी थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन 2018 की शुरुआत में राजस्थान में बाई इलेक्शन हुए थे, तब से उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं राजस्थान के हर जगह पोस्टर लगा दिए थे कि जन जन की यही पुकार, अब की बार पायलट सरकार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। और ऐसे में अन्य का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान में 1 सीटें अन्य के खाते में, क्या लगता है हनुमान बेनीवाल का क्या हुआ, नहीं साबित हो पाया? बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम था अमेरिका
राजस्थान में, और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि हो सकता है कि ये जो लगातार तीसरी पार्टी उभरने की बात कर रहे हैं हम लोग, जो 15-20-30 साल से नजर नहीं आ रही है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल क्या वो चेहरा हो सकते हैं? हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया था, लेकिन नजर तो फिलहाल नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन की आंधी में सब उड़ गए हैं। जो जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पूरी तरह से हासिल भी कर लिया है, उसने सबक सिखा दिया कि अगर आप काम की बात नहीं करेंगे तो जनता आपको बेदखल कर देगी। सत्ता जी खेवसर से चुनाव लड़ते रहे हमेशा विधानसभा का हनुमान बेनीवाल, हमेशा उनका इस सीट पर वर्चस्व देखा गया। जाटों के बहुत बड़े एक प्रभुत्वशाली नेता हैं, जाटों के बीच उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। लेकिन खेवसर में भी अगर जब ताजा अपडेट में बता दूं तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल फिलहाल तो है जीत सकते हैं, पूरे अनुमान है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं उनके लिए निराशाजनक खबर भी सामने आ रही है कि शायद खेवसर से वो पीछे हो गए हैं जो उनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अंत में हनुमान बेनीवाल को ही वहां पर जीत हासिल हो सकती है, ऐसी भी पूरी संभावना है। कुल मिलाकर राजस्थान में फिलहाल 100 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। क्या चल रहा होगा वसुंधरा राजे के मन में? देखिए वही है, अमित शाह की अगर हम बात करना चाहूंगा गायत्री जी, कि जिस तरह से परचम पूरी तरह से वहां परचम लहराने की बात की थी उन्होंने कि हमारी इतनी 150 से भी ज्यादा सीटें ऐसा उन्होंने बोला था आ रही हैं, और मैं बड़ा आश्वस्त हूं उसको लेकर, क्योंकि वसुंधरा जी ने काम किया उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आए, जैसे नतीजे सामने आए, उससे सवाल निशान लग गया है कि क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिला पाएगी? क्योंकि 5 राज्यों की आप अगर तस्वीर देखें गायत्री उठाकर, तो बीजेपी पूरी तरह से पैक नजर आ रही है, और ये तब है जब लोकसभा इलेक्शन आपके सर पर है। ऐसे में क्या रणनीति होगी पार्टी की, क्या वो चेहरे होंगे, क्या ही वो दोनों नाम होंगे जो आगे जाएंगे, बड़ा सवाल। बड़ी अपडेट दे दूं, मध्य प्रदेश में चूहे बिल्ली का वाकई खेल चल रहा, बीजेपी आ गई थी लेकिन अब कांग्रेस आ गई है, 107 पे कांग्रेस आ गया है, 106 पे बीजेपी आ गया है, अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में तो कांटे का टक्कर, अभी लगता नहीं कि यहाँ की तस्वीर बहुत जल्दी साफ होने वाली, लेकिन राजस्थान में फिलहाल शुरुआत से तस्वीर पूरी साफ हो गई कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। ठीक, बिल्कुल, 15 साल शिवराज सिंह का राज रहा है, उनकी सत्ता रही है मध्य प्रदेश में, तो इतनी बड़ी लीडर को हराना है, उनको सत्ता से बेदखल करना आसान नहीं। लेकिन देखिए फिर भी जनता अब ये चाहती है काम होना चाहिए, आप सिर्फ ये बोलकर कि हमारे यहाँ की सड़कें विदेशी सड़कों ज्यादा बेहतर है, काम नहीं चलेगा, कि उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने कलई खोल दी। दूसरा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और लगातार उनके कर्ज की बात चल रही है, लगातार वहां पर खुदकुशी किसान का, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, और शायद शिवराज उसमें फेल हुए हैं या उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। राजस्थान में जो सीटें कांग्रेस ने अभी तक हासिल कर ली हैं, 100 सीटें पा ली हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भड़का है जनता का? मैं गायत्री जी आपसे प्रोग्राम में बात करता रहा हूं कि विकास की बात अब करनी पड़ेगी। सचिन पायलट का बड़ा रुख साफ था, मैंने कई बार प्रोग्राम में आपके बोला भी है कि सचिन पायलट जैसी राजनीति सब लोगों को करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि रोजगार कैसे पैदा होंगे, आपको ये बताना चाहिए कि अच्छी सड़कें कैसे बनेंगी, आपको ये बताना चाहिए कि बिजली की संभावना कैसे और बढ़ सकती है, आपको ये बताना पड़ेगा कि अच्छे अस्पताल हम कैसे बना सकते हैं, तब आप कोई बेहतर राज्य बना सकते हो। लेकिन आप मंदिर मस्जिद के नाम पर या इस तरह की बातों को करके आप राज्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बड़ा साफ हो गया है इन 5 राज्यों के इलेक्शन में। जी, इन 5 राज्यों के इलेक्शन में बहुत कुछ साफ हो गया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से राजस्थान की बात करूं या अन्य राज्यों की बात करूं, लगातार पीएम मोदी के अगर 2014 के बयानों का जिक्र, उनके भाषण का जिक्र, बहुत वादे किए थे, बहुत बातें कही थी, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते हम, उन्होंने जमीनी धरातल में बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो जुमले वाले जो बयान थे उसमें कहीं ना कहीं जनता जो है फंस गई, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। इसका खामियाजा ये हुआ कि 5 राज्यों में जनता ने बता दिया है, दिखा दिया है कि हमें जुमले वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन फिलहाल उनके कुछ ऐसे फैसले रहे जिससे जनता बहुत निराश भी हुई है। बिल्कुल, बहुत सारे फैसले, आप नौकरियों की बात कर सकते हैं, आपने मंच से खड़े होकर 2014 में बोला कि मैं इतने अवसर दूंगा नौकरियों के, कहां है वो नौकरियां? आपने बात की ब्लैक मनी की, कहां है ब्लैक मनी? यानी कि ऐसे मुद्दे जो जनता को निराश कर गए, ये उसका खामियाजा है। बड़ी अपडेट, कांग्रेस 108 पर आगे निकल गई है, और ऐसे में बीजेपी 100 भी पार नहीं कर पाई है, 80 भी पार नहीं कर पाई है, और 70 से 80 के बीच में घूम रही, कभी 72 कभी 73 कभी 72 कभी 73 कभी 74 कभी 75 बीजेपी का आंकड़ा ये चल रहा है, लेकिन कांग्रेस सटीक एक पारी खेलती जा रही है और 100 के आगे बढ़ गई है, 108 पर कांग्रेस आ गई है। अन्य में एक ही सीटें आ रही हैं, यानी कुल मिलाकर इस बार जिसने भी निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा है उसने बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है राजस्थान में। कि बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से एक लहर होती है और सचिन पायलट ने वो लहर पैदा की है कि जिस तरह से उन्होंने काम की बात की, विकास की बात की, वो जनता को प्रभावित किया उसने, और अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई राजस्थान का विकास उनकी सरकार आने के बाद हो पाएगा। कई सारे सवाल उभर कर सामने आएंगे, कई सवाल उभर कर सामने आएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी खबरें बस यही सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बननी तय मानी जा रही है। और थोड़ा सा तेलंगाना का जिक्र कर लेते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो जीत गए हैं अपनी
सीट से, तेलंगाना में जिस सीट से कुछ राव लड़ रहे थे उस सीट से उनको सफलता हासिल हो गई है। सुबह सुबह उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई कि ओवैसी ने फतह हासिल कर ली है। लेकिन कुल मिलाकर भी राजस्थान में जिस नाह से वहां पर देखने को मिल रहा है पूरा माहौल, कहीं ना कहीं अभी वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हो गया जश्न का माहौल और बीजेपी मुख्यालय में शायद अभी निराशा का माहौल है। सर, अगर झालापाटन से राज्य जीत भी गई अभी, क्योंकि तीन वीआईपी सीटों पर कहीं ना कहीं तीनों ही जो है आगे चल रहे हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, झालापाटन से अगर जीत भी गई राजे, तो ऐसे में अगले साल को लेकर अब उन पे कितना विश्वास करेगा पार्टी आला कमान? देखिए वही ये बात है, क्योंकि अभी आप इन इलेक्शंस को लोकसभा जोड़कर देख रहे हो, यहाँ पर आपकी हार हुई है, यानी कि आप लोकसभा सीटें भी कम हासिल करेंगे तय है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अब वसुंधरा चेहरा राजे के चेहरे पर पार्टी जाएगी, उन्हीं के नाम पर पार्टी आगे जाएगी, ये कई सवाल ऐसे हैं जो अब सामने निकल कर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, केंद्र में भी क्या उथल पुथल होगी, क्या केंद्र के जो बड़े दिग्गज नेता हैं क्या उनके भी पदों में उलटफेर होगा? तो अभी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में उथल पुथल तो दिल्ली में भी जरूर नजर आएगी। उथल पुथल दिल्ली में नजर आ नहीं रही होगी, दिल्ली में उथल पुथल शुरू हो गई होगी सुबह से ही। शायद पीएम मोदी हमेशा भी टीवी पे नजर लगाए बैठे होंगे कि आखिर क्या होगा अगले साल उनका। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं। और सर, जिस तरह से ये राजस्थान में रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर, जैसा 25 सीटों पर तो फिलहाल 2014 में बीजेपी काबिज है संसदीय सीट पर, जो वहां पे 25 सीटें हैं राजस्थान में, इस बार अगले साल क्या हो सकता है विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के? देखिए बिल्कुल, अब नतीजे जब इससे सामने आए तो ये लोकसभा चुनाव में ही बदलेंगे। हालांकि अभी जमीनी मुद्दे होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव भी जमीनी मुद्दों से ही जुड़े होते हैं, तो इसमें एक अलग तरह का बात हो सकती है। लेकिन हाँ, बैकफुट पर जरूर बीजेपी आ गई है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता खो रही है वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बीजेपी बहुत डुगडुगी बजा रही थी कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनना बिल्कुल तय है, कोई हरा ही नहीं सकता है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा था एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल का इंतजार है। तो चौहान जी एग्जैक्ट पोल ही सामने आ रहा है, आप देख रहे होंगे, पता चला है बुधनी सीट से भले आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में तो बीजेपी का क्या हाश रहा है, हम क्या बताएं, आप तो खुद ही टीवी पे देख रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत खराब इस समय स्थिति है। और अगर ये स्थिति थोड़ी देर और रही, यानी कि एक दो घंटा और रहे, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी काबिज हो सकती है। जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में काबिज हो सकती है, लेकिन फिलहाल एमपी में बीजेपी 109 पर है और कांग्रेस 106 पर है, अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। राजस्थान में सरकार बननी कांग्रेस की बिल्कुल तय हो गई है, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, ऐसा हम नहीं, ऐसा जनता ने अपने वोट की ताकत से साबित किया है। अभी फिलहाल शुरुआती रुझान है, लेकिन धीरे धीरे जो टीजर अभी राजस्थान में सामने आया है वो कहीं ना कहीं पूरी फिल्म बयां कर रहा है कि इस बार अल्टरनेट सरकार में कांग्रेस ने बाजी मार दी हो, बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले साल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले एक डंके की चोट पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नब्ज पे वार किया है कांग्रेस ने बीजेपी पर। और ऐसे में पीएम मोदी, अमित शाह को सोचना पड़ेगा आखिर क्या होगा अगले साल, उनका बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। कुल मिलाकर देखना होगा मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथों में आता है या फिर यहां से भी जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अंत में एक सवाल, 15 साल बहुत होते हैं किसी भी राज्य में किसी पार्टी को देने के लिए, बहुत हो गया था, शायद इस बार कांग्रेस को आना ही था। बिल्कुल, ये भी एक बात हो सकती है, किसान परेशान थे, लगातार बात उठ रही थी कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो नजर भी आ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है वो नजर आ रहा है कि लोग नाखुश जरूर हैं। वैसे 60 साल कांग्रेस ने शासन किया उससे जनता ऊब गई थी, तो उन्होंने मोदी सरकार को चुना, और वैसे ही अब बीजेपी से लोग ऊब गए तो उन्होंने कांग्रेस को चुना। लोकतंत्र का मजा ही है कि यहाँ पर आपके पास वोट की ताकत है, 5 साल में आप सत्ता को बदल सकते हो, ये सबसे बड़ा हथियार जनता के हाथ में। जनता के हाथ में हथियार है वोट का, और वोट हमेशा हर इंसान को देना चाहिए, उसका अधिकार है। अगर अभी भी कोई वोट नहीं दे रहा है तो SPN9 न्यूज की अपील है कि लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक आने वाले हैं, तो ऐसे में हर एक शख्स जो देश का वासी है वो अपने वोट का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये वोट की ताकत कहीं ना कहीं देश को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर भी ला सकती है। ऐसे में आप सभी वोट का इस्तेमाल करें। ऐसे में कुल मिलाकर राजस्थान के अवाम ने, कुल मिलाकर सुबह से ही जब हमने कवर किया था 7 दिसंबर को, तो बहुत ताबड़तोड़ वोटिंग हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं पता चल गया था इस बार शायद कांग्रेस सरकार बनना तय है और इतिहास रहा है वहां पर अल्टरनेट सरकार का। तो ऐसे में फिलहाल 100 सीटों के आगे वहां पर जो है पार हो गई है राजस्थान में, 108 से 110 की आंकड़े पर पहुंच गई है कांग्रेस, और बीजेपी 80 भी पार नहीं कर पाई है राजस्थान में। यानी कुल मिलाकर जनता ने दे दिया है जनादेश राजस्थान की आवाम ने, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। तो दर्शकों, बने रहिए आप SPN9 न्यूज के साथ, हम आपको 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।